किशोर जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला किशोर जगत। किशोर जगत में आज का विषय है भूगोल। क्या है हमारे चारों क्या है हमारे चारों नदियां हैं पहाड़ हैं जंगल हैं और जंगल में मोर। क्या है हमारे चारों क्या है हमारे चारों घर है सड़क है भीड़ है और है भीड़ का शोर। क्या है हमारे चारों क्या है हमारे चारों। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं एक वार्ता। शीर्षक है उद्योगों के प्रकार। उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। आकार, पूंजी निवेश और श्रमिकों की संख्या के आधार पर उद्योगों को बड़े पैमाने के, मध्यम पैमाने, छोटे पैमाने और कुटीर उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उद्यम वृत्ति या स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को तीन वर्गों में रखा जाता है। पहला सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा निजी क्षेत्र और तीसरा संयुक्त और सहकारी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सरकारी कंपनियां या निगम हैं जिनमें सरकारी पूंजी लगी होती है। सामरिक महत्व के उद्योग तथा राष्ट्रीय महत्व के उद्योग प्रायः सार्वजनिक क्षेत्र में लगाए जाते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी किया जाता है। जैसे पहला आधारभूत वस्तु उद्योग, दूसरा पूंजीगत वस्तु उद्योग, तीसरा मध्यवर्ती वस्तु उद्योग और चौथा उपभोक्ता वस्तु उद्योग। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण के अनुसार चार प्रकार के उद्योग हैं। पहला कृषि आधारित उद्योग, दूसरा वन आधारित उद्योग, तीसरा खनिज आधारित उद्योग तथा चौथा उद्योगों में प्रसंस्कृत कच्चे माल पर आधारित उद्योग। उद्योगों का अन्य सामान्य वर्गीकरण निर्मित वस्तुओं के स्वरूप के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार उद्योगों को सात वर्गों में रखा जाता है। पहला धातु उद्योग, दूसरा यांत्रिक इंजीनियरी उद्योग, तीसरा बिजली इंजीनियरी उद्योग, चौथा रसायन और संबंधित उद्योग, पांचवा वस्त्र उद्योग, छठा खाद्य उद्योग, सातवां बिजली उत्पादन उद्योग और आठवां इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार उद्योग। उद्योगों का स्थानीयकरण। उद्योगों की अवस्थिति अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इनमें से प्रमुख ये हैं कच्चे माल की उपलब्धि, शक्ति अर्थात ऊर्जा, बाजार, पूंजी, परिवहन
और श्रमिक। इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय, स्थान, अत्यावश्यकता, कच्चे माल के प्रकार और उद्योग के प्रकार के अनुसार बदलता रहता है। तथापि आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां उत्पादन लागत तथा निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की लागत सबसे कम हो। परिवहन लागत काफी हद तक कच्चे पदार्थ और निर्मित वस्तुओं के स्वरूप पर निर्भर करती है। उद्योगों के स्थानीकरण की अवस्थिति के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से हैं। कच्चा माल। ऐसे उद्योग जिनके उत्पाद कच्चे माल की तुलना में काफी कम वजन के होते हैं, कच्चे माल के स्रोत के निकट लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में चीनी उद्योग, उत्तरी मैदानों या दक्षिणी राज्यों के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं। 100 किलो गन्ने से लगभग 12 किलो चीनी बनती है, शेष खोई रह जाती है। यदि गन्ने को लंबी दूरियों तक ले जाना पड़े तो खोई के परिवहन की लागत चीनी की उत्पादन लागत को बढ़ा देगी। इसी प्रकार लुगदी उद्योग, तांबा प्रगलन और कच्चा लोहा अर्थात पिग आयरन उद्योग अपने कच्चे माल द्वारा ही आकर्षित होते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग में उपयोग में आने वाले लौह अयस्क और कोयला दोनों ही भारी वजन खोने वाले और लगभग समान भार के होते हैं। अनुकूलतम अवस्थिति इन दोनों के स्रोतों के मध्य होगी, जैसे कि जमशेदपुर में है। अन्य इस्पात संयंत्र या तो कोयला क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं, जैसे बोकारो, दुर्गापुर आदि, अथवा लौह अयस्क के स्रोतों के निकट, जैसे भद्रावती, भिलाई और राउरकेला है। इसी प्रकार शीघ्रनाशी कच्चे माल पर आधारित उद्योग कच्चे माल की उपलब्धता के निकट लगाए जाते हैं। अधिक तथा सस्ते और भारी कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग भी कच्चे माल के प्रदेशों में ही स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूने का पत्थर है, जो भारी भरकम और सस्ता होता है। इसलिए देश में सीमेंट बनाने वाले कारखाने चूने के पत्थर की खदानों पर या उनके निकट लगाए जाते हैं। बॉक्साइट पर आधारित एल्यूमिनियम उद्योग कच्चे पदार्थोन्मुख उद्योग का विशिष्ट उदाहरण है। यही नहीं, आधारभूत उद्योगों के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योग भी कच्चे माल के स्रोतों से आकर्षित होते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर अनेक इंजीनियरी उद्योग लोहा और इस्पात केंद्रों जैसे जमशेदपुर और भिलाई के आसपास विकसित हो गए हैं। ऊर्जा शक्ति। ऊर्जा मशीनों को चलाने के लिए जरूरी है, इसीलिए किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले ऊर्जा की नियमित और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। लेकिन कुछ उद्योग जैसे एल्यूमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन का उत्पादन करने वाले उद्योग ऊर्जा के स्रोतों के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें
भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। यहां यह बता देना उचित होगा कि दक्षिणी और पश्चिमी भारत स्वदेशी कोयला क्षेत्रों से दूर हैं और यहां जो भी औद्योगिक विकास हो सका वह इन क्षेत्रों में जल विद्युत के विकास के बाद ही संभव हुआ। बाजार। देश में उद्योगों की अवस्थिति को बाजार का स्वरूप भी प्रभावित करता है। औद्योगिक मशीनी उद्योग, भारी रसायन उद्योग आदि औद्योगिक क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि इनके उत्पादों की प्रदेश के अन्य उद्योगों में मांग रहती है। पेट्रोलियम परिष्करण शालाएं बाजार के निकट ही लगाई जाती हैं, क्योंकि कच्चे तेल का परिवहन आसान होता है तथा इनसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं जिनके आधार पर अन्य उद्योग शुरू किए जाते हैं। मार्गदर्शन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर संजय कुमार, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।